हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फिल्म इंजेक्टेड इंडियन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंकुल सिंह, और हम लोग वापस है एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ में। आज मैं लेके आया हूं दो और बहुत ही बेहतरीन बाइक है, जो कि पहली है हमारी BMW की G310R BS6 मॉडल एंड द बेस्ट इन क्लास ड्यूक 390 BS6 मॉडल। तो आज मैं इन दोनों बाइकों को लेके आया हूँ, बिकॉज गाइज देख रहे हो आप, थोड़ा सीसीज में तो फ़र्क है, बट जो प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये का ही फ़र्क है। दोनों BS6 मॉडल्स हैं, तो आज ये चेक करा जाएगा कि व्हाट आर द ऑफरिंग्स ऑफ दीज टू कंपनीज इन द सेम प्राइस पॉइंट, सेम प्राइस पॉइंट में कैसी बाइक्स देते हैं या क्या परफॉर्मेंस रहती है इन दोनों बाइकों की, और हम कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों आपस में कैसे कम्पीट करती हैं। तो अगर मैं बात करूं प्राइस की गाइस, तो हमें जो BMW G310 है वो एक शोरूम 2,60,000 की मिल जाती है, और जो हमें ड्यूक 390 है BS6 मॉडल वो हमें 2,87,000 की मिल जाती है एक शोरूम। तो गाइज़ ये दोनों एक शोरूम प्राइसेस थे, ऑन रोड डिफरेंट हो जाते हैं, बट एक शोरूम में 27,000 का फ़र्क है। तो गाइज़ बिना किसी देरी के चलते हैं बाइकों पर और स्टार्ट करते हैं अपना ये कंपैरिजन। लेट्स गो। यहाँ पे जो हमारा कंपैरिजन का एक ही रीज़न है वो है इन दोनों का प्राइस पॉइंट। दोनों ही बहुत ही प्रीमियम बाइक्स हैं अपनी अपनी कंपनीज की, जो कि हमारी TVS की तरफ से लॉन्च हुई है। BMW ने टाइप करा हमारा TVS से, और यहाँ पे KTM ने टाइप करा बजाज से। तो दोनों इंडियन कंपनीज की हेल्प से आई हैं इंडिया में, तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस और क्या इन्होंने हमें पावर दी है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेक्स की बात करूँ तो परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें 34 BHP मिलता है, यहाँ पे हमें 44 BHP ऑफ पावर मिलता है। और टॉर्क की अगर बात करूँ तो 28 Nm का टॉर्क मिलता है, 37 Nm का टॉर्क इस पर मिलता है हमको। तो दोनों के आप लोग टॉर्क और पावर का फ़र्क देख ही सकते हो कितना ज़्यादा है। बट स्टिल चलो, दोनों का प्राइस पॉइंट तो एक ही है, 10 से 15 हज़ार रुपये का फ़र्क है दोनों में। तो देखा जाए कि टॉप एंड में क्या परफॉर्मेंस देती है दोनों बाइक्स, और क्या हमें कंपनीज प्रोवाइड करती है इंडिया में, क्योंकि ऑब्वियसली हर कंपनी डायल डाउन करती है अपनी अपनी परफॉर्मेंस को। तो यहाँ इंडिया में क्या ऑफर्ड है हमको, बिना किसी देरी के बैठते हैं बाइक्स पे। मैं बैठने वाला हूँ यहाँ पे ड्यूक 390 पे, और मेरे साथ में आ जाए निशांत। इनका यूट्यूब चैनल है शैडो ब्लॉग्स, भाई उस पर जाओ, प्यार बरसाओ, जितना प्यार मेरे इस पर बरसा रहे हो ना उससे ज़्यादा उस पर बरसाओ। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग यार, गर्मी उमस देख रहे हो, पूरे पसीना पसीना हो रखे हेलमेट के अंदर, स्टिल आपके लिए कंटेंट लानी है तो लानी है। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं बैठता हूँ अभी पहले 390 पे, ऑब्वियसली इसकी पावर और टॉर्क ज़्यादा है, बट लेट्स सी। थोड़ा हम लोग के बीच में वजन का भी फ़र्क है, ऑलमोस्ट लाइक 18-19 kg का फ़र्क है हम दोनों के बीच में, तो उससे क्या बाइक पे फ़र्क पड़ता है देखते हैं। तो भैया अब बैठ गए हैं बाइक पे, ये सुनिए आप स्टॉक एग्जॉस्ट की आवाज़, ये इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है, ये 390 का स्टॉक एग्जॉस्ट है, इसकी आवाज़ सुनिए। अभी रोड मोड पर है ये, इसमें हमें क्विक शिफ्टर मिल जाता है तो पूरा इस्तेमाल करूंगा मैं उसका। यहाँ पे हम लोग 3 हॉर्न पे स्टार्ट करेंगे, धूप अभी हेड टू हेड चल रही है, लेकिन ये KTM अभी कवर करेगी, आप देखिए। ओहो निकली KTM, निकल गई भाई, निकल गई, बहुत आगे निकल गई, बहुत आगे निकल गई, 145 47। गाइज यहाँ पे आप लोग देख चुके हो, रिजल्ट हमारे सामने है। ड्यूक जो है उसने मिड रेंज के बाद में ऐसा पकड़ा, इनिशियल थोड़ा मेरा गड़बड़ हो गया था स्टार्ट, बट ठीक है, ये इसीलिए अब हम लोग राइडर स्विच करके देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा गैप नहीं था, G310 ने अपने नाम पे भाई खड़ी उतरी और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा इसने। अब हम लोग राइडर स्विच करने वाले हैं, मैं चलाने वाला हूँ G310, और यहाँ पर निशान चलाएँगे KTM 390 ड्यूक। बहुत ही प्यारी लग रही है बाइक ये,
अपने नए ग्राफिक्स में, दोनों के दोनों मतलब बिल्कुल लेटेस्ट बाइक्स हैं। तो आप लोग देख सकते हो वो भी नया कलर स्कीम है जो KTM ने लॉन्च। भैया कहाँ लिए चले जा रहे हैं उल्टा। और ये भी हमारी बिल्कुल लेटेस्ट कलर स्कीम में है। तो अब बिना किसी देरी के लॉन्च करते हैं। सौ के ऊपर तो ड्यूक ऐसे निकलती है। बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। BMW गई 154 तक। और आई गेस यार गाइस, अगर ये व्हीली पॉप ना करती जो मेरे से हो गई थी तो और बेटर हमें रिजल्ट मिल पाता। ड्यूक को थोड़ा और टाइम लगता कवर करने में। चलो यार एक बार BMW को एक मौका और दिया जाए। और यहाँ पे ये डिसाइड हुआ है कि सेकंड गियर पे 40 तक चलते हैं और फिर एक बार खींच के देखते हैं बाइक को। मिड रेंज में तो वो रॉकेट है यार, देख रहे हो रॉकेट मिड रेंज में, जिसको कहते हैं ना पॉकेट रॉकेट। वो वॉबल बहुत कर रही थी यार। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इसका KTM ड्यूक 390 का नाम ऐसी पॉकेट रॉकेट नहीं रखा गया है, दिस इज अ पॉकेट रॉकेट। इस रेस का अगर कंक्लूजन आपको बताऊं तो ऑब्वियसली विनर तो हमारी यहाँ पे KTM 390 है, बट द वैल्यू फॉर मनी इज BMW यहाँ पे। अगर हम देखें भाई इतनी सारी मतलब अगर मैं आपको बताऊं डिज़ाइन लैंग्वेज आप इसकी देखो, मुझे तो ऑब्वियसली इफ आई हैव टू चूज आई चूज BMW GT10 बिकॉज ऑब्वियसली वो BMW का जो बैज लगा हुआ है यार वो बिल्कुल मज़ा आ गया वो BMW का बैच देख के। और इस रेस का तो कंक्लूजन आप लोग के सामने है यार, KTM 390 द अनडिनाइबल विनर ऑफ 400cc बाइक्स अभी तक चल रही है। अब जल्दी इसका एक RC से भी कंपैरिजन करेंगे ताकि देख सकें भाई दोनों सेम इंजन पे फेड पे और नेकेड पे फ़र्क तो पड़ता है, तो क्या फ़र्क आता है हमारे पास में। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करिए, और जैसा भी फील हुआ हो कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग को ज़रूर छोड़ के जाइएगा। तो गाइज मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ राइड सेंसिबल, टेक केयर गाइज़।